आपकी अपनी पार्टी पीपल्स द्वारा जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर दिल्ली की मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र के ग्रीन पार्क में नुक्कड़ सभा कर अपने लिए समर्थन मांगा। लोगों ने अपने विचार रखते हुए कहा कि वैसे तो जात पात व्यक्तिगत मसला है, लेकिन जात पात से भेदभाव होने के कारण लोगों में कई बार आपसी मतभेद हो जाता है। इसलिए आपकी अपनी पार्टी पीपल्स का समर्थन करते हुए कहा कि जाति उन्मूलन को लेकर कानून की मांग बिल्कुल जायज है। इसके लिए लोगों ने भी पार्टी के इस मुहिम का समर्थन किया। मौके पर टोटल खबरें के वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना ने यहां मौजूद लोगों के विचार जानने का प्रयास किया कि आखिर वो जात पात को लेकर क्या सोचते हैं। जात पात समाप्त होनी चाहिए या नहीं, समाप्त होने को लेकर कानून बनना चाहिए या जैसे चलती आ रही है वैसे ही रहना चाहिए। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की इस विशेष रिपोर्ट में लोगों के क्या मत थे। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश खन्ना। आपकी अपनी पार्टी का अभियान लगभग जो है कि अब दिल्ली में चरम पर है और आज जो है कि दिल्ली की मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी अभियान चला रही है और क्षेत्र के लोगों से जो है कि वार्तालाप कर रही है और इन्हें जागरूक कर रही है और जाति उन्मूलन कानून की मांग को लेकर उनसे अपना समर्थन मांग रही है। हम भी यहां मौके पर पहुंचे हुए हैं और कई लोगों से हमने बात करी है कि उनका जाति समाप्ति को लेकर क्या विचार है और क्या जातियां होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है ना, जातियां समाप्त हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जातियों से जो है कि जाति व्यवस्था के चलते जो है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि इससे काफ़ी परेशानी उभरती है। तो आइए, हमने जिन लोगों से बात करी है, जानते हैं उनके विचार, उन्होंने टोटल खबरें से बातचीत के दौरान क्या कहा। सरिता प्रधान। सरिता प्रधान जी, ये ना आपकी अपनी पार्टी जो है दीपक, वो चाह रही है कि जात पात समाप्त करते, सरकार से मांग करी कानून बना दिया जाए, क्या लग रहा है, मांगे की जाएगी? मांगना चाहिए, क्योंकि ये जातवाद नहीं होना चाहिए। हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब एक ही ब्लड और सोल के हैं, तो जातवाद करके लोगों में भेदभाव करना बहुत खराब है। तो ये बिल्कुल जायज है और आप लोग करना चाहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी पीपल की मांग जायज है। तो आप इनका समर्थन करते हैं? यस। मिलन, आपकी अपनी पार्टी चाह रही है जात पात समाप्त हो जाए, कानून बना दे, मांग कर रही, क्या लग रहा मांग की? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो जात पात है वो हमारी जो देश की नींव है उसको खराब कर रही है, और अगर वो हट जाएगा तो हमारी जो देश में जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े मतलब चीज़ें हैं, जैसे कि गरीबी हो गई या फिर बहुत जैसे कि वो है कि हम अनएम्प्लॉयड रहते हैं, कि आपको जात पात का होता है कि आप इस जाति से बिलोंग करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर जॉब मिलती है, ये सब चीज़ें हट जाएंगी और एक इक्विलिब्रियम मतलब एक बैलेंस बन जाएगा समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर। तो आपको लग रहा है कि आपकी अपनी पार्टी पीपल की मांग जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। तो आप इस मामले में समर्थन करते हैं पार्टी का? हाँ जी। संदीप गुप्ता है। गुप्ता भैया, इतना आपकी अपनी पार्टी जो है आपके इलाके में जात पात के समाप्ति पे अभियान चला रही है जी, चार बजे से कानून बना दिया जाए, क्या लग रहा है, मांग जायज इनकी? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है, कानून हटाओ, सब जात पात हटाना चाहिए। तो क्या है, जात पात तो कहते हैं ना बड़ी पुरानी व्यवस्था, जातियों से पहचान होती है। पहचान तो है, लेकिन आजकल जातिवाद पर भी कई तरह के बातें जो है ना उलझी रहती है, उसको हटाना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि पार्टी ठीक कर रही है इस बारे में? हाँ ठीक करेगी, तो मांग जाइए पार्टी की। हाँ सही है, बिल्कुल है, जात पात हटनी चाहिए। नाम क्या? मेरा नाम दीपक सैनी है। ना आपकी अपनी पार्टी जो है वो आपके क्षेत्र में ना अभियान चला रही है जात पात समाप्ति को लेकर, और सरकार से मांग कर रही है कानून बना दीजिए, तो क्या लग रहा है, मांग इनकी जाइए? देखिए, जाति पाति के ऊपर कानून बनाने के लिए अगर कोई बोल रहा है सरकार से कि इस पर कानून बनना चाहिए, तो ये तो कोई प्रश्न उठता ही नहीं है कि ये जायज है या नहीं है, ये बिल्कुल जायज है। जाति पाति जैसी चीज स्पेशली दिल्ली जैसे शहर में तो होनी ही नहीं चाहिए, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मुश्किल कहीं ना कहीं यहीं पर आगे पड़ जाती है कि जो आरक्षण चाहते हैं, अब उस पे तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन मेरी अपनी राय ये है कि जाति पाति के ऊपर अगर कोई कानून बन सकता है कि जाति पाति नहीं होना चाहिए, तो वो ऐसा होना चाहिए कि उस पे कानून बनना चाहिए। तो लग रहा है आपकी अपनी पार्टी पीपल की मांग जाएगी? बिल्कुल जाए सर। नाम क्या है भैया? मेरा नाम राहुल है। राहुल भैया, एक ना आपकी अपनी पार्टी जो है आपके क्षेत्र में अभियान चला रही है जात पात समाप्त कर कानून बना दिए, मांग जाए? नहीं देखिए, मुद्दा ये है कि मुद्दा बनाता कौन है, जातिगत मुद्दा बनाता कौन है, सबसे पहले तो ये जरूरी है कि जातिगत मुद्दा है क्यों, बनाता क्यों कौन है। जातियां तो बहुत पुराने समय से भी चलती हुई आई हैं, लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं सुना कि पुराने कोई विवाद होता है, लेकिन अभी
अगर आप पुराना 50-60 साल पुरानी हिस्ट्री अगर उठा के देख लोगे तभी से ही जाति मुद्दा ज़्यादा होने आया है, ठीक है, तभी मतलब जाति ये मुद्दा तब से ज़्यादा होने आया है। तो इसमें ये है कि ठीक है, जातिगत मुद्दा नहीं होना चाहिए, इस पर कुछ ऐसा कानून या एक्ट बनाना चाहिए जिससे कि फ्यूचर में कोई जाति से रिलेटेड कोई बार बार लड़ाइयाँ या फिर एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाना ये सब ना हो। तो आपके साथ जात पात समाप्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, जात पात समाप्त होनी चाहिए या नहीं होनी? देखिए मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई जात समाप्त होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये रहेगा मेन मुद्दा है कि एक कोई ऐसा एक्ट हो कि इस चीज़ के लिए बार बार कोई विवाद ना खड़ा कर सके। अगर कोई पर्सन जातिगत बात को उठाता है या जातिगत, और हाँ आपकी इलेक्शन के टाइम पे जैसे कि वोटिंग इलेक्शन कमीशन होता है वो जाति ही ना पूछे या जातिगत जनगणना ही ना हो तो उससे ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। मेरा नाम स्नेहा है। हाँ स्नेहा मैम, ना आपकी अपनी पार्टी जो है आपके क्षेत्र में अभियान चला रही है जात पात समाप्त हो जाए जी, तो कानून बना दिया जाए, तो क्या लग रहा है? बिल्कुल, ये हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम बचपन से पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके भाई भाई, तो यहाँ पे कोई जाति वाली चीज नहीं होनी चाहिए, सबको मिलकर सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग इंडियन है, हिंदुस्तानी है, हमें जात के नाम से कोई सपोर्ट नहीं करे, हमें सब लोग इंडियन के नाम से हमें जाना चाहिए। तो लग रहा है कि मेरी इनकी मांग जाए ये पार्टी। बिल्कुल। क्या भैया? रंजीत कुमार चौधरी। हाँ रंजीत कुमार भैया, आपकी अपनी पार्टी जो है आपके क्षेत्र में अभियान चला रही है कि जान बस माफत हो, सरकार से मांग करिए कि कानून बना दिया जाए, इसको क्या लग रहा है मांग? जायज है। ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों जायज है? ये समस्या ही खत्म हो जाएगा, जात पात का समस्या खत्म हो जाएगा, जो लड़ाई चल रही जात पात का वो खत्म हो जाएगा, राजनीति खत्म हो जाएगा। जात तो कहते हैं जात पात पहचान होती है राजनीति, तो इसमें क्या कहेंगे? नहीं नहीं, जात पात खत्म होना चाहिए, पहचान हाँ एकदम खत्म हो जाएगी। लग रहा है कि पार्टी जो मांग कर रही है जायज मांग है? जायज मांग है। आप पार्टी का समर्थन करते हैं? हाँ करते हैं, करते हैं। पार्टी ना 4 तारीख को 4 अगस्त को जो है कि जंतर मंतर में धरना भी देने जा रही है, तो क्या वहाँ शामिल होने जा रहे हैं? हाँ एकदम शामिल होंगे।